बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज नाज़रीन लौकी गोश्त बना रही हूँ। लौकी गोश्त बनाने के लिए मैं ये पतीली मैंने ले ली है, इस पर मैं ये 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें ये 2 दरमियानी साइज़ की प्याज है वो मैंने काट ली, वो मैं ऐड कर रही हूँ। प्याज ब्राउन होने तक पकानी है। प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसमें हम अपनी बाकी चीज़ें डालेंगे। प्याज ब्राउन हो गई है तकरीबन, मैं इसमें अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन पीस लें, बारीक पीस लें या थोड़ा, मैंने ज़रा मोटा मोटा सही रखा हुआ है। इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन डालने के बाद ये थोड़ा सा स्मेल, इसकी रॉ स्मेल ख़त्म होती है अदरक लहसुन की, तो मैं इसमें गोश्त ऐड करती हूँ। अब मैं इसमें ये 1/2 किलो 1/2 kg तक गोश्त ऐड कर रही हूँ। गोश्त में आप चिकन भी ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, मैंने बीफ लिया है। ये गोश्त को तब तक भूनना है कि इसका पानी वो हो जाए, ड्राई हो जाए, पानी गोश्त में से निकलेगा। गोश्त का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। लाल पीसी मिर्ची 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, पिसावा धनिया 2 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून तक मैं यूज़ कर रही हूँ, आप अपने ज़ायक़े के मुताबिक ऐड करें। और साथ ही साथ ये तेज़पात, 3 तेज़पात डाल दें या 2 डाल दें, 2 दालचीनी के पीस डाल देंगे। इसको भून लें थोड़ा सा। ये 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर हैं कटे हुए, ये मैं ऐड कर रही हूँ। टमाटर डाल के थोड़ा इसको भून लेंगे, टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद इसमें 3 कप पानी डाल के, 3 से 4 कप पानी डाल के गलने के लिए रख देंगे हम। ये तकरीबन टमाटर भी भून गए, अब इसमें मैं पानी ऐड करके इसको गलने के लिए रख दूंगी। तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट तक के लिए रखेंगे। उसके बाद इसमें फिर लौकी भी ऐड करनी है क्योंकि लौकी भी गलने में टाइम लेगी। पानी ऐड करूँगी थोड़ा और, ज़रा इसको कस लें। ये मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ, ऑयल थोड़ा सेपरेट हो रहा है। ये गोश्त तकरीबन अब भून गया है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया इसमें से। अब मैं इसमें पानी डालती हूँ, गलने के लिए रख दूँगी। 3 कप तक पानी इसमें डाल दूँगी। ये हो गए, मैं ऐसे हल्की आंच पे दम पे रख दे, वो पकने के लिए गलने के लिए गोश्त रख देती हूँ। उसके 20 से 25 मिनट के बाद फिर मैं इसे देखूँगी कि गोश्त कितना गल गया। उसके बाद फिर इसमें अपनी लौकी ऐड करेंगे। ये देखिए तकरीबन गोश्त 70% तक तकरीबन कुक होना चाहिए, देख लेती हूँ। गोश्त देखिए तकरीबन 70% तक तो गल गया है गोश्त। अब इसे मैं भून के थोड़ा फिर लौकी डालती हूँ। लौकी डाल के बस ये थोड़ा, आप चाहें तो लौकी को पानी में सेपरेट भी बॉईल कर सकते हैं। बॉईल करके मतलब एक पतीली में लौकी डाल के नमक डाल के बॉईल कर लें, और जब वो गल जाए तो फिर आप इस स्टेज पे डाल के, और जो है जब गोश्त अच्छा गल जाए 80% 90% तक गोश्त गल चुका हो,
तो फिर उसके बाद आप वो उबली हुई लौकी डाल दें। यहाँ मैं इस वक्त कच्ची लौकी डाल रही हूँ, उबली हुई नहीं डाली, इसी में ही मैं पकाऊँगी लौकी को। तो ये गोश्त तकरीबन भून गया है, अब मैं इसमें लौकी ऐड कर दूँ। लौकी आप आधा किलो तक ले लें या चाहें तो उससे भी ज़्यादा भी ले सकते हैं, मेरी थोड़ी हाफ के जी से ज़्यादा है। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। अब मैं ये इसमें हरी मिर्चें भी साथ ही में ऐड कर देती हूँ। अब इसे मैं 20 मिनट तक के लिए, कम से कम या 15 मिनट तक के लिए ढक के पकाऊँगी ताकि लौकी गल जाए। देखिए लौकी तकरीबन ऑलमोस्ट गल गई है। अब इसमें जो है मैं आधा टीस्पून जो है गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा ही ऐड कर रही हूँ मैं। बहुत इस सालन में जो है ना सॉफ्ट टच देना चाह रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं, हल्का, क्योंकि गर्मी के हिसाब से लौकी जो है वो बहुत अच्छी होती है गर्मियों के सीज़न में खाने में। चाहिए ये साथ ही साथ मैं ये हरा धनिया भी इसमें डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून तक गर्म मसाला डाली हूँ मैंने पिसावा, और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया ये भी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसे मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए या 2 से 3 मिनट तक के लिए आप इसको दम पे रख दें, और उसके बाद फिर हम इसे डिश आउट कर देंगे। ये देखिए नाज़रीन, ये हो गया है, तैयार हो गया है। 5 मिनट के बाद मैंने इसके गैस बंद कर दिया। ये तैयार है लौकी गोश्त। गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छा लगेगा, तो आप इसे राइस के साथ, चपाती के साथ, जिस तरह से चाहें आप खाएं। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।